बोरदेही थाना क्षेत्र में एक छात्रा पर मकान की दीवार गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। छात्रा घर से स्कूल पढ़ने जा रही थी, अचानक उसके ऊपर मकान की दीवार गिर गई। वहीं आसपास के लोग छात्रा को उठाकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि आज बोरदेही में मिडिल स्कूल में कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली प्रतिभा साहू उम्र 12 वर्ष की मौत हो गई। छात्रा रोशन भूमरकर की मकान की दीवार के पास खड़ी थी, अचानक दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई। छात्रा घर से स्कूल जा रही थी, सड़क पर कीचड़ होने से मकान के नीचे खड़ी थी। वहीं दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। क्या घटना हुई सर? आज बोरदेही अस्पताल से पीएमएलसी प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच हेतु अस्पताल गए थे। अस्पताल में मृतिका प्रतिभा 12 साल की है ये साहू, इसकी दीवार से गिरने से दबने से उसकी मौत हो गई थी। इसकी देहाती मार्ग लेकर मार्ग इंटीमेशन कार्रवाई करके। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए आमला से दुर्गा प्रसाद जौजारे की रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। बोरदेही थाना क्षेत्र में एक छात्रा पर मकान की दीवार गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। छात्रा घर से स्कूल पढ़ने जा रही थी, अचानक उसके ऊपर मकान की दीवार गिर गई। वहीं आसपास के लोग छात्रा को उठाकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि आज बोरदेही में मिडिल स्कूल में कक्षा 7वीं में पढ़ने वाली प्रतिभा साहू उम्र 12 वर्ष की मौत हो गई। छात्रा रोशन भूमरकर की मकान की दीवार के पास खड़ी थी, अचानक दीवार गिरने से उसकी मौत हो गई। छात्रा घर से स्कूल जा रही थी, सड़क पर कीचड़ होने से मकान के नीचे खड़ी थी। वहीं दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। क्या घटना हुई सर? आज बोरदेही अस्पताल से पीएमएलसी प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच हेतु अस्पताल गए थे। अस्पताल में मृतिका प्रतिभा 12 साल की है ये साहू, इसकी दीवार से गिरने से दबने से उसकी मौत हो गई थी। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए आमला से दुर्गा प्रसाद जौजारे की रिपोर्ट। मैं हूँ सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।